तो जिस टाइम हम आ, हम क्या करते हैं बहुत सारे गाने बनाते हैं और उसकी वर्सेस रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर कोरस देखते हैं जो भी उसके हिसाब से अच्छा लग रहा है तो आ, हम स्टूडियो में थे और मेरा जो प्रोड्यूसर है तो ही दे वॉज अ हम टीवी चल रहा था उस पर जूही चावला और गोविंदा की कोई मूवी चल रही थी अच्छा तो ये आस्क मी ऑन है लाइक जूही चावला एंड इट्स सैड ऑन द बीट यू नो तो आई चावला चावला यार उस गाने के बाद हर yeah. मैं देखता था यंग बच्चा लड़कों की yeah. सबकी जबान पे थे याप 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 और कहाँ कोई स्टूडियो था जहाँ आपने रिकॉर्ड किया क्या uh, नहीं हम लोग का अपना अच्छा. तो लोग अपना खुद ही बनाते हैं और व्लॉगिंग कब से स्टार्ट की बट मेरा जो व्लॉगिंग स्टाइल था या है अब थोड़ा सा मैंने बहुत जेनेरिक कर दिया बट पहले था कि स्किट्स और व्लॉग का एक कॉम्बिनेशन था तो पहले आई यूज़ टू के और फिर मैंने ये कर लिया तो वो आ, वो स्किट एलिमेंट होता था और बाकी फिर व्लॉग चल रहा होता था यू नो कि गाड़ी को हमने और फिर हमने गाड़ी को ड्रिफ्ट किया तो वो फिर दैट्स माई स्टाइल कि मैं स्लैश व्लॉग को एक कॉम्बिनेशन बनाता हूँ वेरी यूनिक और बहुत जबरदस्त थैंक थैंक यू यू अली गाड़ियों का शौक था शुरू से या बस इसलिए किया गया यार YouTube पे एक अच्छा वो चल गया है गाड़ियों से तो गाड़ियों को ही मैं जो ना रिव्यू करता रहा हूँ सब सो so, uh, गाड़ियों का बचपन से बहुत ज्यादा शौक है और इट्स वन ऑफ दोंग आप बोलते हो ना यार मुझे हैप्पीनेस कहाँ से आती है तो वो गाड़ियों से आती है वो मतलब मैं इस वजह से मैं और आप कनेक्ट भी होते हैं उसके है। हमारा सिमिलर शौक है और पाकिस्तान में ये है कि हमारे पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जैसे हम कोई सौ दो सौ ही लोग होंगे बस जिनको जो गाड़ियों वाले हैं कम्युनिटी वहाँ है कम्युनिटी और वहां बस छोटी सी है तो बट uh, अगर इसमें मज़ा तब आता है जब आप दुनिया में दूसरे ममालिक में जाओ और वहाँ डिफरेंट गाड़ियाँ देखो जो कि पाकिस्तान में नहीं अवेलेबल तो फिर मज़ा दोबाल हो जाता है तो आई वु भी आपने बड़ा दुबई में लेवल का शूट है जी, जी 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 तो दुबई में आई कवर्ड अ लॉर ऑफ ग्रेट कार्ड और नाइन एट हाँ तो अलहदुल्ला वहाँ दोस्तों के पास ये गाड़ियाँ हैं हाइपर कार्स तो वो हाइपर कार एक्सपीरियंस आपकी गाड़ी में थोड़ी बहुत वो फील्स आती हैं जब वो वो पूरा टर्बो किक इन करता है तो सेम सेम वही फील उस गाड़ी में भी होती है लेवल है यार वो, वो बस वो एड्रिलिन रश जो है ना वो उसी के लिए आई थिंक हम जी रहे हैं सुरु, सुरु. अली एज अ यूट्यूबर इनिशियली स्ट्रगल किया आपने या कोई मुश्किल फेस की पाकिस्तान में रहते हुए तो एज अ यूट्यूबर अगर आप सक्सेसफुल यूट्यूबर हैं और आपने स्ट्रगल नहीं की तो फिर आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते वो फिर एक झटके की सक्सेस होगी अब वो आप जब तक यू you नो know, उसको कंटिन्यू कर थिंक थिंग्स so, आप कर सकते हैं तो सक्सेसफुल यूट्यूबर होने के लिए स्ट्रगल बहुत ज़रूरी है एक चीज़ होती है कि आप फेमस हो गए और एक होती है फेमस रहें जिंदगी भर सस्टेन करें सस्टेन करना तो वो लोगों को ना ये, ये पहला हिट रिलेटिवली आजकल बिकॉज ऑफ टिक टॉक एंड अदर प्लेटफॉर्म आसान है कि आप एकदम से हिट हो जाओगे हिट होने के बाद उस चीज़ को कैसे कंटिन्यू करोगे इस बात का बहुत सारे बच्चों के पास जवाब नहीं होता तो सारा गेम प्लान ये होता है कि आप फेमस हो गए फिर लाइक देन व्हाट आपका प्लान क्या है आपके आप पैसे कहाँ से आ रहे हैं वी डू दिस फुल टाइम तो फुल टाइम उस चीज़ को करने के लिए यू नीड अ लॉर ऑफ सब्सटेंस प्लस डेडिकेशन चाहिए आप डेडिकेशन चाहिए यू हैव टू फॉलो द ट्रेंड्स आई रिमेंबर जब हमने बिल्कुल स्टार्ट किया था 2013-14 में आई यूज टू वर्क विद डिफरेंट यूट्यूबर्स तो हम छोटे स्किट्स बनाते थे पंद्रह सेकेंड बीस सेकेंड एट टू नाइन ईयर्स लेटर आज हम फिर से वही चीज़ कर रहे हैं सो so, अब बीच में शिफ्ट आया लॉन्ग वीडियोज़ का एट मिनट 10 अबव क्योंकि वो फिर यूट्यूब पे एड ज़्यादा मिलते थे दस मिनट पहले तो दस मिनट था फिर एट मिनट्स हुआ अब वापस से हम उसी फॉर्मेट पे आ गए जहाँ पंद्रह बीस सेकंड पे अब यूट्यूब भी मोनेटाइज कर रहा है शॉर्ट्स को तो आपको ट्रेंड के हिसाब से अपनी ऑडियंस को लेके चलना है अब आप स्टर्बन हो गए कि नहीं मैं तो जी दस मिनट ही करूंगा या मैं लॉन्ग फॉर्मेट ही फिर आप खुद अपने लिए आप अपनी सक्सेस पे पैर पे कुलाड़ी मार रहे हैं इसमें ना पूरी जो सोशल मीडिया और इस डिजिटल मीडिया के दौर में सक्सेस आप अचीव करी तब सकते हो जब आप इवॉल्व करना जानते हो तो हर दिन नए ट्रेंड्स हैं आपने उन ट्रेंड्स के हिसाब से अपने आप को इवोल्व करना है एंड बहुत चांसेस देन आर मोर कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे अली ये आपकी बात मैं सेकंड करूंगा कि ठीक है फेम मिल गया एकदम सुझा yeah. बहुत सारे टिकटॉक पे हैं डांस कर रहे हैं yeah. प्ले कर रहे हैं और वो कर रहे हैं वो फेम मिल रहा है yeah. सस्टेन कैसे करें यूथ है जैसे किसी की वीडियो हिट हो गई अब hmm. वो उसको कैसे लेके चले उस पर क्या करें आप ज़रा सजेस्ट करें उस पर यार एक तो फॉर एग्जाम्पल एक आपको ना लोग एक नाम से जानेंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे या तो लैट या ग्रेट मोहम्मद अली ये इस तरह के यू नो नाम से जानते हैं आपने उसके अराउंड चीज़ें करनी है आपने उसके अराउंड ब्रांड्स बनाने हैं आपने डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम बनानी है सो so दैट आप सिर्फ एक ही चीज़ पे ना रहें वरना अब जैसे जो नए जितने भी आपने नाम लिए इन बच्चों को रिलेटिवली और मेहनत करनी पड़ेगी बिकॉज वही एकदम से यू नो फेमस तो हो गए हैं इतनी like, जल्दी जाते हैं उनको फिर. Yes, it's the harsh reality yeah. because वो एक जोक था जो एक हर, एक दिन तक यू you नो know, चार दिन अच्छा लगा पांचवे दिन पीपल नीड समथिंग न्यू सो यू तो इसलिए ना कभी भी जब आपको इस तरह फेम मिले तो अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए बिकॉज अल्लाह की तरफ से ही आता है सब कुछ तो ये बात लेते भी, भी है बिल्कुल लेते भी है दोनों में टेस्ट होते हो आप मैंने आपके अंदर एक चीज देखी और ये मैं खुला सबको बोलता हूँ बात यू आर वेरी हम्बल वेरी डाउन टू अर्थ ये चीज जो ना, अ, साथ साथ है ना मेरे हिसाब से आपकी सक्सेस का रीजन है आपको मैंने कभी नहीं देखा कि यार जी मुझे चार लोग जानते हैं तो मैं इधर यहाँ जाऊँगा ये सब अल्लाह की तरफ से गिवन चीज है इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है मतलब वो उन्होंने हम हमें सेलेक्ट कर लिया हम बहुत ग्रेटफुल हैं इस चीज के लिए अली एक रेस्टोरेंट आपने दी फ्लेम्स हाँ उसकी क्या बड़ी सैड स्टोरी यार <laughs> तो वो एक हमने रेस्टोरेंट खोला और अब होता ही है कि जब आपके पास लत से नए नए पैसे आते हैं तो आप अच्छी ही जगह इन्वेस्ट करना चाहते हो और आप अपने जानने वाले अपने ट्रस्ट वर्दी लोगों पे क्यों आप से सिलेक्ट करते हो कि यार आप आप जो है मेरी जगह वो करोगे अब उसमें होता है कि जब आप किसी को टेस्ट में डालते हो ना तो आपको पता चलता है कि वो कितने पानी में ऐसे ही है। क्योंकि बातें तो आपको पता है हमने किया एक को टेस्ट मिजरेबली फेल्ड एंड फिर हुआ ये कि चलो मिजरेबली फेल्ड तो हुआ बट ऊपर से आ गया कोविड कि अगर मैं खुद भी घुस के बचाता जो कि मैं किया वो भी बचने के चांसेस कम हो गए बिकॉज कोविड आ गया नाउ रेस्टोरेंट की साइंस ही होती है कि इट्स डिलीवरी uh, और इन हाउस जो डाइन इन जैसे बोलते हैं इस तरह की चीजें रेस्टोरेंट इज अ फुल सो जब डाइन इन जो है ना अलॉट ऑफ लाइक यू नो रेस्टोरेंट में डाइन इन आप ज़्यादा कमाते हो उससे तो डाइन इन इन आर केस वॉ सेवेंटी परसेंट ठीक है और uh, जब कोविड आया तो ऑब्वियसली डाइन इन बंद था तो वो सेवेंटी परसेंट जब रेवेन्यू चला गया और थर्टी परसेंट आ रहा था फिर उसके बाद बहुत सारी और चीज़ें सीखने को मिली कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री में दे इज़ आर लॉर ऑफ़ करप्शन इन द सिस्टम सो एवरी वन यूज़ टू कम फॉर भत्ता फॉर फॉर यू नो ऑल दो इीगल चीज़ें जो यहाँ की अब अब क्या बताएं सिस्टम को चाहिए होती हैं तो उसके बाद ना फिर बचता कुछ नहीं था माइनस में आ जाते थे प्लस तो रेंटल थी जगह रेंटल जगह आती है यू नो ऑल द बिल्स वर सो मच तो फिर वहां एक अच्छा डिसीजन यही लिया बहुत मुश्किल डिसीजन था कि इसमें से हटना इज बेटर देन इनकurring मोर लॉसेस तो फिर वो फिर बस एक कड़वा रूट था आपकी वीडियो भी आई थी उसमें कि काले बिच्छू और हां हाँ हाँ वही बस मैं बता रहा हूँ ना लोगों को जब आप टेस्ट करते हो तो दैट्स हाउ यू लर्न अबाउट आपके पास गाड़ियां तो मुझे पता है काफी उस वक्त थी फिर आपने सिविक पे आ गए थे आ, बस आगा। थोड़ा सा ये एक एक ये ये पार्ट ऑफ लाइफ है रियलिटी चेक मिला दोस्तों से पता लगा कौन सा दोस्त तो पीछे हो गया कौन नहीं हुआ यार हाँ मतलब इसमें साइंस ये है कि ब्रो कुछ हल्के जो आइटम होंगे ना वो हट हट जाएंगे कचरा हट जाता है Which is great. और फिल्टर हो जाता है, है। मत मुश्किल से सीखा बट That's how life is. ये जूही चावला सॉन्ग जब बन रहा था एक्सपेक्ट किया था कि 3.2 पॉइंट टू या थ्री पॉइंट थ्री मिलियन जाकर उसपे तो एक्सपेक्ट किया नहीं। था नहीं। 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 क्या सोच क्या थी बेगा बेकॉट <laughs> तो गाना बना के डालना है मैंने और गाड़ियां लानी है उसमें फिर फार्म हाउस दिखाना है उसमें यूट्यूबर्स दिखाना है बड़ा एक अलग सी वीडियो थी वो सो उसमें अभी भी बहुत सारे गाने हैं और उनमें से कुछ मैं अभी बता रहा हूँ आपको ये फ्यूचर प्रोडिक्शन समझ लें आपके वो जूही चावला से एक्स हंड्रेड हो बट यह uh, yeah, होती हैं चीज़ें यार आप आप मेहनत करें एंड आई एम टेलिंग यू आपको नहीं पता चलता कि क्या वर्ड गो नो वर्ड हमारे एक म्यूचुअल फ्रेंड है नादर यूट्यूबर है वो जैकेट भी लगाते हैं आपकी <laughs> नादर भाई मुझे कहता मैं ले जा रहा हूँ जैकेट नहीं दूंगा इसको आप दी नहीं दी भाई है नहीं नहीं वो तो अभी भी उनके पास है वो उसके वो जब वीडियो खुलती है सबसे पहले वो पहने होते हैं बिल्कुल बिल्कुल अली ये बताएं आप बीच में वीडियोस बना रहे थे रोड पे आवाज लगा रहे थे <laughs> कैसे चला रहे हो कहाँ जा रहे हो आवाज़ आ तो रही है।, यार। यार यार वो, तो है हाँ वो ना थोड़ा रिस्की बिजनेस है वो रिस्की बिजनेस इस वजह से है कि कराची में एक तो अर ऑफ पीपल आर लाइक अंडर कवर लॉर्ड ऑफ पीपल आर एंग्री तो आप ना नावी मतलब चलते फिरते गोली खा लोगे कभी फेस किया कोई ऐसा सीन यार बड़े बड़े गुस्से वाले लोग निकल आए एक दो बार ना बहुत गुस्से वाले मतलब वो एक था लड़का वो उसको ऐसी हमने कहा कि हाँ भाई ये वो ना उसको अंदाजा हो गया कि ये कर रहे हैं मतलब यू नो ड्रामे ही कर रहे हैं बट क्यों कर रहे हैं मेरे साथ अच्छा हाँ यार वो आ गया वो मारने आ गया भाई अच्छा। कूटने आ गया आ, आ ये प्रैंक की प्रैंक वैसे दो तीन तरह से बनते हैं बट प्रैंक की साइंस ही होती है कि अगला भी इंजॉय करे अब वो यूजुअली तभी करता है जब आप उसको बता दो कि यार मैं तो ऐसा साथ प्रैंक करूँ होते हैं स्क्रिप्टेड होते हैं वैसे हाँ आपके हाँ। कुछ नहीं मैं यूजली मैं क्योंकि लाइट हार्टेड रखता था मतलब इस तरह नहीं करता था कि आप फटे फटा करने रहा होता हो ना बट होता ये कि जब अगला आपसे गाली और बदतमीजी करें ना तो फिर एक हद तक ही आप भी कैरेक्टर में रहो लाइक कट कर नहीं बेटा इजी आ जा मतलब मजाक ही कर रहा था मैं सर पे नहीं सर हाँ अब मतलब तू आउट हो रहा है यू नो you know? तो ये ही हो रहा था एंड अलॉट ऑफ पीपल लाइक माई ऑडियंस लव इट एंड लाइक फिर से करें तो मैं फिर से करूंगा आप लोगों के लिए बट बट कराची में इट्स इट्स वेरी टफ इट्स रिस्की इट्स रिस्की बिकॉज अब गने वनी भी होती हैं लोगों के नहीं, पास नहीं, नहीं। और आप गलती से कोई आपसे मुंह से बात निकल जाए उसको पसंद नहीं आए वो इट्स रिस्की थिंग टू डू तो यू हैव टू बी इन अ सेफ एनवायरनमेंट अब सेफ एनवायरनमेंट में होगे तो वो फिर लोग जानते होंगे आपको तो प्रैंक्स की साइंस इज वेरी डिफरेंट स्क्रिप्टेड करना है तो फिर तो मजे ही है अली आपकी मदर को कैंसर हुआ हाँ यार ये बड़ा सबसे डाउन बड़ा, बड़ा बड़ा yes, 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 भी हो थे yes, 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 yes. कैसी पहले तो तबीयत कैसी उनकी एंड कैंसर में यही होता है आपको ना कैंसर मैनेजमेंट करनी होती है सो so, आप uh, uh, जहाँ अगर बढ़ रहा है तो आप ट्रीटमेंट चेंज करते हो और फिर इसके अराउंड ही आपने चीज़ें करनी होती हैं वेरी टफ़ पार्ट ऑफ़ माई लाइफ आई गो थ्रू एवरी डे आपने उस वक्त अपनी कोई आई थिंक ऑनलाइन स्टोर भी खोल दिया था उसमें हाँ उसमें बिकॉज uh, मुझे जाहिर है अब हमेशा अगर कभी तबीयत खराब ही होती है तो वो क्या होती है दवा आ जाएगी और ये आ जाएगा वो आ जाएगा बट कैंसर ट्रीटमेंट जो है ना वो बहुत महंगी है और जी और इनिशली जाहिर है मुझे कुछ अंदाज़ा भी नहीं था तो जब uh, वो एकदम से सारी चीज़ें आई तो एक यू नो एज अ फैमिली हमारे पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ फंड्स होते हैं तो वो सारे फंड्स एकदम से लग गए एंड वी वर ऑल इन एंड लाइक व्हाट इज़ गोइंग ऑन कि हम मतलब हमें अब अपने एसेट्स खोलने पड़ेंगे क्या होगा घर वाले बहुत परेशान हैं थे तो फिर फिर आई हैड टू मूव फॉरवर्ड आई वाज लाइक यू नो लेट मी टेक केयर ऑफ इट मैं अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट की एंड ऑल ऑफ़ देम वेरी काइंड वेरी हेल्पफुल एंड वो भी अल्लाह ने शिफा दी अल्लाह का करम है कि वो आज हमारे साथ हैं uh, है। है यूट्यूब कैसा पे करता है आपको मतलब आपको नहीं यूट्यूब जनरल मिलियन पे दो सौ डॉलर देता है अच्छा मिलियन यूज पे मिलियन पे दो सौ डॉलर अगर आपका अकाउंट पाकिस्तान में पाकिस्तान और पाकिस्तान आप... की बात नहीं है आपके व्यूज पाकिस्तान से व्यूजोरिटी तो मिलियन पे दो सौ अच्छा इसमें भी ना ये मैं बता रहा हूं। एक एवरेज फॉर एग्जांपल इसमें अगर आपकी वीडियो लोग देख रहे हैं एक दो मिनट तक अगर आठ मिनट देख रहे हैं तो फिर छह हो जाएंगे अच्छा हाँ अब वो ड्यूरेशन कितना है आपकी रिटेंशन कितनी है सीपीएम बहुत लो है पाकिस्तान का क्या रीजन एडवर्टाइजर्स ही नहीं है या अदर टाइम तो एक तो यूट्यूब की कोई फिजिकल प्रेजेंस uh, नहीं है पाकिस्तान में अभी एक इवेंट हुआ है वालों का वो सिर्फ वो है? खुश करने के लिए करते अच्छा हैं वो मतलब एक सीरियस कंपनी जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो उसका ऑफिस होना चाहिए आप उनसे जाओ मिलो दोस्ती करो बात करो टिप्स एंड ट्रिक्स इधर वो सीन है नहीं इधर आप सब अपना लगे रहते हैं किसी का चल रहा है चल रहा है किसी के व्यूज आ रहे हैं आ रहे हैं तो फेसबुक uh, का तो और बुरा हाल है फेसबुक के तो मिलियन पे शायद सौ डॉलर भी नहीं ऑलमोस्ट पूरे बनते हैं अच्छा हाँ हाँ बहुत बहुत सी पी एम हेयर इन पाकिस्तान एक्सट्रीमली लो तो यूट्यूब पे यही होता है कि ज़्यादा रिटेंशन करने के लिए फिर आप लंबी चव्लें मारो छोटी चवलों से तो नहीं हो पाएगा हाँ अच्छा। लंबी लंबी चवलें मारो अली आपने आई गेस फिफ्टी प्लस गाड़ियों का रिव्यू कर चुके होंगे हंड्रेड प्लस हाँ हंड्रेड प्लस किस गाड़ी के साथ एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि आप बोले यार मुझे मज़ा आया इस गाड़ी में बैठ के अगर हम पाकिस्तान की बात करें पाकिस्तान की सुपरा सुपरा इज वन ऑफ द कार्स जिन में वाकई एक, एक, जैसे मैंने कंपेयर किया ना कि सुपरा में और 918 में एक सिमिलर तरह की फीलिंग आती है कि वो एकदम से ना वो आपको सीट में पीछे पकड़ लेती है सो मच फोर्स ये नहीं पूछूंगा कौन सी वाली <laughs> मैंने मैंने एक, ही सुप्रा सुप्रा। <laughs> सुप्रा एक ही है जो चलती है <laughs> बाकी वर्कशॉप पे खड़ी है सारी

और मिलियन व्यूज मार के दिखाएं आप मुझे लाइक आप चवले नहीं मार रहे एक तो होता है ना इसमें कंटेंट में भी मैं आपको बताऊं एक होता है नो ब्रेनर नो ब्रेनर ये होता है मैं आज सुबह उठा हूँ मैंने अंडा खाया मैं ये कर रहा हूँ ये मेरी बीवी है ये आज ये अंडा बना रही है ये वो ये होता है नो ब्रेनर अब या तो आप नो ब्रेनर कंटेंट बनाओगे और पाकिस्तान में अलॉर ऑफ दोज नो ब्रेनर कॉन्टेंट क्रिएटर्स आर लाइक सुपर हिट तो मासिज डोंट लाइक टू थिंक वो इसीलिए मासेज हैं तो ना अपनी ऑडियंस समझो किसके लिए क्या बनाना है लड़के बहुत सारे हैं जैसे भुवन ने जब स्टार्ट किया था तो भुवन ने सिर्फ लड़के सिलेक्ट किए और सिंगल लड़के सिलेक्ट किए अपनी ऑडियंस और बना सारा कंटेंट कॉन्टेंट कितना सुपरहिट हुआ तो अपनी ना ऑडियंस सिलेक्ट करो फिर प्लेटफॉर्म्स बहुत सारे हैं तो फॉर एग्जांपल यूट्यूब फेसबुक इंस्टाग्राम टिक टॉक स्नैक ट्विटर स्नैपचैट इन लॉट मोर आपने ना सब पे प्रेजेंस रखनी होगी एक पॉइंट पे तो पैसे कहाँ से आएंगे कंटेंट क्या बनाओगे हिट हो गए हो गए उसको यूज़ कैसे करोगे उस फेम को चीज़ों के ना जवाबात होने चाहिए फिर उतरो

दिस इज़ यू जाना शांता हो साइनिंग ऑफ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें आपसे होगी जल्द मुलाकात विद अन गेस्ट अल्लाह